नमस्कार दर्शकों, मैं सोमेन। आज आपसे बात करूंगा फिंचेस के प्रोग्रेस के ऊपर। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपका बर्ड्स का प्रोग्रेस दिखाइए, प्रोग्रेस दिखाइए। तो मैं तो मेरा सभी बर्ड्स का प्रोग्रेस नहीं दिखा सकता, क्योंकि केज में थोड़ा प्रॉब्लम है, केज को खोलने में और कैमरा को लेके जाने में बर्ड्स उड़ जाएगा। ठीक है, फिंचेस का कॉलोनी का आप देख सकते हैं, तीन जो है नेस्ट बास्केट मैंने लगाई है, बैम्बू का और एक प्लास्टिक का लगाई है। इस पर नेस्टिंग किया था, लेकिन सारे नेस्टिंग को उठा के ये लोग और उधर पे चले गए। और वो तीनों में ही मैंने देखा है, उसमें अंडे हैं, दो अंडे शायद होंगे, इसमें तीन चार अंडे हैं। ये मैंने अभी लगाई है, ठीक है, और इसमें छः पेयर हैं। ठीक है, तो इनमें से दो पेयर ने तो काम कर दिया है, और मैंने यहाँ पे टोटल 9 पेयर थे। मैंने कुछ पेयर और फिर से अलग से मार्केट से ख़रीद के लेके आया हूँ। तो मैंने सोचा कि प्रोग्रेस आप लोग देखना चाहते हैं हर बार, तो मैं प्रोग्रेस नहीं दिखा सकता। और यहाँ पे कॉलोनी भी ठीक ठाक नहीं है, प्रॉब्लम है, दरवाज़ा छोटा है और लेके जाने में हाइट ज़्यादा है, ऊँचा है बहुत। तो मैंने सोचा कि थोड़ा केजेस बनवाया जाए, थोड़ी सेकेंड हैंड केजेस देखते हैं, मेरे पास पड़ी हुई थी, तो उनमें कुछ फिंचेस रखते हैं और देखते हैं केजेस में ब्रीडिंग कैसा होता है कॉलोनी के मुकाबले। तो केजेस का और कॉलोनी का मुकाबले तो देखा मैंने, दोनों ही सेम ब्रीडिंग होती है। ठीक है, केजेस में जैसा होती है कॉलोनी में भी सेम होती है। तो मैं केजेस का प्रोग्रेस आज आपसे शेयर करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं मेरा ये केज सिस्टम है। ठीक है, ये तीन नीचे, तीन तीन छः, तीन नौ। ठीक है, इधर पे फर्स्ट ये जो है कि मेरा सोसाइटी फिंचेस है, जिनको मालूम होगा मैंने दिखाई थी थोड़ी सी, तो इनका ही प्रोग्रेस दिखाते हैं आपको पहले फर्स्ट, उसके बाद दूसरा देखते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही अंदर है। तो देखा हमने, चार अंडे हैं। तो सब कुछ मैं जो है कि अच्छे से दिखा रहा हूँ आपको, कुछ भी ऐसे हड़बड़ी में नहीं दिखा रहा हूँ आपको। ये यहाँ पे फिंचेस हैं, एक पाइट फिंचेस है मेल, और ये जेब्रा में बोल सकते हैं ब्लैक में। ये भी नया नया था, वो जो मैंने खरीद के लेकर आया था एक महीने पहले, तभी उसमें भी ये ही खरीद के लेकर आया हूँ। एक महीना भी शायद नहीं हुआ हुआ आपको दिखाया था। आप जो अभी देख सकते हैं पे, आई थिंक टू अंडे आपको शायद नज़र आ रहे हैं, बाहर आते हैं बहुत ही ज़्यादा उड़ रहे हैं, इधर उधर कहीं ये उड़ उड़ न जाए। यहाँ पे ये पेयर बन चुका है मेरे पास, मेरे यहाँ की नेस्ट बास्केट नहीं है, कम है, तो मैंने नहीं दिया है इसे। तो इधर पे देखते हैं बाकी, इधर पे नेक्स्ट बास्केट लेके आएंगे, ये भी शायद अंडे दे देंगे। ये देखिए, खोलते हैं इसे फटाफट से। ये बहुत ज़्यादा डरते हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है ये कहीं उड़ ना जाए और ये कहीं डर से अंडे को हैच करना बंद ना कर दे। तो भी इसलिए मैं नहीं दिखाता हूँ। ठीक है, नेस्टिंग किया है, आप लोग देख सकते हैं, शायद अंडे वंडे दिया होगा, थी मालूम नहीं नेस्टिंग तो किया है। बाकी इधर देखते हैं, इधर भी कुछ है, ठीक है, ये जेब्रा की एक मेल है और फॉन्ड का एक फीमेल है। ठीक है, तो देखा आपने, इधर भी थे तीन चार अंडे शायद,
आपने देखा। और इधर चेक करते हैं, प्रोग्रेस दिखाने के लिए आपको प्रोग्रेस दिखाने के लिए मुझे अलग से फिंच रखना पड़ा इंडिविजुअल केजेस में, जो मैं रखना नहीं चाहता था। मैं काम करता हूँ, दाना पानी चेंज करने का प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप लोग हमेशा बोलते प्रोग्रेस का वीडियो देखा है, तो मैं नहीं दिखा सकता, केज का प्रॉब्लम था। इसलिए हल्का सा छोटा केज खोलने में आसानी हो दरवाज़ा, इसलिए मैंने ये यहाँ पे फिंच रखा है इंडिविजुअल केजेस में, ताकि प्रोग्रेस आपको हर बार अच्छे से प्रोग्रेस दिखा सकूँ। ठीक है, यह है पेयर फिंचेस का। तो भाई आई थिंक ये एक है वाइट वाला, ठीक है, जूम में प्रॉब्लम हो रही है। ये वाइट मेल फीमेल है, तो मैंने ये आई थिंक एक दो तीन चार और पाँच, अच्छा एक दो पाँच, पाँच का मैंने प्रोग्रेस दिखाया आपको, और यहाँ पे कॉलोनी का मैं प्रोग्रेस दिखाऊंगा कुछ दिन बाद, शायद जब बच्चे निकल जाएंगे बाहर तब दिखाऊंगा। कॉलोनी में दुकान थोड़ा प्रॉब्लम है, तो जब यहाँ से निकल जाएगा सारा बच्चा वहाँ से, अगर बच्चे निकलता है तो ऊपर वाले की कृपा से, तो मैं दिखाऊंगा आपको बच्चे दिखाऊंगा डायरेक्ट वहाँ पे, एक ही या बच्चे छोटे बच्चे का प्रोग्रेस नहीं दिखाऊंगा फिलहाल, तो केजेस का ही मैं दिखाऊंगा। नौ पोर्शन यहाँ पे, ये खाली है और सब बाकी सब भरा हुआ है, तो टोटल दिखा दिया। और कुछ मेज बास्केट मुझे ख़रीदना है, एक दो तीन चार ख़रीदना है मुझे, और कुछ फिंचेस को मैंने और भी ख़रीदना है और यहाँ पर डाल देना है, ताकि कुछ अच्छे बच्चे निकले, ठीक है, प्रोग्रेस थोड़ा अच्छा हो, बच्चे भी थोड़े अच्छे हो। तो बाकी यही है फिंचेस का प्रोग्रेस, काश मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो उसमें मैंने देखा है अंडे हैं उसमें, और उसमें शायद होंगे अंडे, ये मैंने कल लगाया था, इसमें शायद अंडे नहीं होंगे, सब नेस्टिंग किया होगा। बाकी इधर भी छः पेयर हैं, तो मुझे और दो या तीन नेस बास्केट मुझे ख़रीदना है, उधर या इधर लगा दूंगा, ठीक है। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, ये लोग बेम्बू का जो दिया है, ये लोग बेम्बू का ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बेम्बू का तीन दिया, ये लोग तीनों ही बेम्बू का ही नेस्टिंग नेस्ट बास्केट यूज़ कर रहे हैं, ये प्लास्टिक का यूज़ ही नहीं कर रहा है, ठीक है, ये बेकार खाली पड़ा हुआ है, तो मैं ऐसे ये निकाल के यहाँ पे कहीं पे लगा दूंगा, ठीक है, इंडिविजुअल केजेस में, और यहाँ पे दो या तीन बेम्बू का नेस्ट बास्केट डाल दूंगा, ठीक है, ताकि ये लोग सभी अंडे दे दे। तो बाकी यही है प्रोग्रेस फिंचेस का, आप देखें कितना फास्ट ये फिंचेस का प्रोग्रेस होता है, अंडे बच्चे ये लोग करते हैं, ठीक है। मैंने तो ज़्यादा दिन पहले ख़रीदना नहीं है, ठीक है, ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है, ये आई थिंक एक महीना शायद हुआ नहीं होगा, एक या डेढ़ महीने हुआ होगा, और सारे ने कुछ अंडे बच्चे कर दिए, ठीक है, अंडे ही हैं सर, बच्चे नहीं है, सॉरी अंडे दे दिए, बाकी इतने सारे अंडे हैं, 10-12 अंडे हैं, तो एक दो बच्चे तो निकल ही जाएंगे, ठीक है। पहली बार इनका ब्रीडिंग है, और इनका एज भी कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको मैं बता दूँ फिंचेस का एज 7 से 8 महीने तक देना पड़ता है, प्रॉपर एज होता है, लेकिन इनका एज उतना नहीं हुआ है, एज कम है बहुत। तो ये जो मेल देख रहा है आपको, ये इस मेल का एज 1 साल के ऊपर का है, बाकी सबका एज कम है, ठीक है। तो इनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, जितना जाना हूँ मैं, अंडे बहुत ज़्यादा देते हैं, हालांकि बच्चे हो सकता है कि उस हिसाब से ना निकालते होंगे, लेकिन अंडे बहुत ज़्यादा देते हैं, और कैल्शियम के कारण बहुत से लोग बोल रहे थे कि अंडे खा लेते हैं, ठीक है, तो आप कैल्शियम के कारण ऐसा होता है, अंडे खा लेते हैं फिंचेस के, तो कैल्शियम की कमी पूरी कीजिए, कटल बोन फीस दीजिए। आप देख सकते हैं मैंने एक का सेल दिया है, वो आप देखिए एक का सेल, वो भी आप दीजिएगा, अच्छा होगा। बाकी बहुत सारे मल्टीविटामिन तो मौजूद ही हैं। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना पेट सिंपल चैनल को, ताकि मैं डेली बेसिस पे ऐसा नया नया वीडियो लेके आ सकूँ। और एक फिंच, एक पेयर मैंने परचेस किया है जम्बो फिंच का, वो देखिए साइज में ये थोड़ा बड़ा है, बच्चा ही है अभी,
जब बड़ा होगा पूरी कलर आ जाएगा तब आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये जम्बो फिंच कहते हैं इसे, बढ़िया होता है, बड़ा होता है साइज में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।